सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंस्टा अकाउंट डिलीट कैसे करें परमानेंटली। तो गाइस, अगर आप लोग सच में यहां से डिलीट करना चाहते हैं, अब डिलीट का मतलब क्या है, अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करता है आपका नाम या फिर कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो आपका कोई भी नाम ना ही कोई फोटो कुछ भी नहीं आता है, तो उसको कहते हैं परमानेंटली डिलीट। और अगर हम लोग चाहें, अगर मैंने आज डिलीट किया, मैंने सोचा कि मैं 10 दिनों तक इसको डिलीट रखता हूँ और लोग कोई भी लोग यहाँ 10 दिनों में सर्च करें तो मेरी आईडी नहीं आएगी, अब 10 दिनों के बाद मैं चाहूँ तो वो अकाउंट फिर से ला सकता हूँ, लोग सर्च करेंगे फिर से आ जाएगा, तो उसको कहते हैं परमानेंटली डिलीट। तो गाइस, मैं वही आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग परमानेंटली जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट कर सकते हैं। आपको इजी स्टेप में मैं बताने वाला हूँ। 2024 का नया मेथड भी आ गया है, तो वही मेथड में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे हिट कर लेना। और भी अगर एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियोस लेना चाहते हैं, तो गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से आइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको हमारे चैनल से ऐसे ही अर्निंग टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे। अब गाइस, सिंपली आप लोगों को जो इंस्टाग्राम है इसके ऊपर लेकर आते हैं। जैसे इंस्टाग्राम आप लोग खोलेंगे तो साइड में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस, जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है जहाँ पे आपकी आईडी आती है, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड एरो का ऑप्शन एक मिलेगा। ठीक है, पहले जो मेथड था वो अलग था, पर अब क्या है, 2024 के मेथड में आपको नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। पहले क्या था, आप कोई भी क्या करता था, दूसरे की आईडी बहुत ही ईजिली हैक कर देता था, पर अब क्या है, इंस्टाग्राम की कुछ प्राइवेसी हैं बहुत ही ज़्यादा लॉक्ड कर दी गई हैं, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही मुश्किल ही करना है सब चीज़ें, तो आपको मैं वो बताने वाला हूँ। तो थर्ड एरो वाला जो ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों को जो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, पहले क्या था, आप लोग यहाँ से स्क्रॉल करते थे, यहीं पे आपका ऑप्शन आ जाता था कि यहीं से आप लोग अकाउंट जो था आप लोग डिलीट कर सकते थे। बट आपको क्या है, आपको एक ऑप्शन आ गया अकाउंट सेंटर का, तो गाइस अकाउंट सेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है पर्सनल डिटेल में। अब गाइस यहाँ पे क्या है, पर्सनल डिटेल पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे वर्क किस तरीके से करता है, क्योंकि आप लोग जरा से भी मिस्टेक अगर करते हैं तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग को वो गलती नहीं करना है कि यहाँ पे आप लोग जो परमानेंटली के अलावा एक और होता है, अगर वो उसका नाम है टेम्प्रेरी डिलीट, अगर आप लोगों ने टेम्प्रेरी डिलीट कर दिया तो यहाँ पे क्या है, आपकी आईडी जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन सेकंड नंबर वाला, तो सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप लोग गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट में ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन है, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मैनेज योर डाटा, मॉडिफाई योर लेजेसी कॉन्टैक्ट, डीएक्टिवेट और डिलीट योर अकाउंट विथ प्रोफाइल्स। तो आपके यहाँ पे क्या, आपके अकाउंट हैं वो दो तरीके से यहाँ से डिलीट हो सकते हैं। आपका पहला जो है आप लोगों का जो डीएक्टिवेट और डिलीट वाला, जो डीएक्टिवेट होता है वो आपका हमें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए होता है, जिसको कहते हैं हम लोग परमानेंटली, और जहाँ पे जो डिलीट योर अकाउंट होता है वो आपका हमेशा के लिए डिलीट होता है। तो इस पर सिंपली आप लोग क्लिक कर देते हैं अकाउंट वाले ऑप्शन पे। अब गाइस यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, टेम्प्ररी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट विद प्रोफाइल, डीएक्टिवेट और डिलेक्शन वाला। सिंपली इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी आईडी है वो आप लोगों को यहाँ से चुन लेना है, आपकी कौन सी आईडी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले जो ऑप्शन है, सेकंड वाली आईडी सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट अकाउंट, यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्प्ररी एंड इट मीन्स योर प्रोफाइल विल बी हिडन ऑन इंस्टाग्राम अंटिल यू रीएक्टिवेट इट थ्रू अकाउंट सेंटर और लॉगिंग इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो पहला जो है आप लोगों का टेम्प्ररी डिलीट है। तो गाइस टेम्प्ररी डिलीट में क्या होता है, मान के चलिए मैंने 10 दिनों तक जो जो आईडी है मैंने डिलीट कर दी,
अब कोई सर्च करता है तो मेरा कुछ भी नहीं आएगा। और ये दूसरा वाला है डिलीट अकाउंट, यहाँ पे व्हेन यू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट योर प्रोफाइल फोटोज वीडियोज कमेंट लाइक्स एंड फॉलोअर विल बी परमानेंटली रिमूव इफ़ यू जस्ट लाइक अ टेक ब्रेक। अब गैस यहाँ से आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो तरीके मैंने बताए, यहाँ पर पहला जो हमेशा के लिए डिलीट होगा, दूसरा है परमानेंटली यहाँ पर कुछ समय तक आपको डिलीट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लेना। तो मैं अभी बता रहा हूँ परमानेंटली वाला, तो यहाँ पर मेरा जो लगा हुआ है डीएक्टिवेट अकाउंट, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है कंटिन्यू का, तो यहाँ पर कंटिन्यू में करता हूँ। फिर मुझे क्या है साइट पर यहाँ पर भेजेगा, यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड, यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड है वहाँ पर आप लोग डाल देते हैं। अगर आपका पासवर्ड नहीं बना है तो आप लोग यहीं से, अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पे आपको जो कंफर्म कोड है, आपको जो पासवर्ड है आप लोगों को डाल देना है, फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको पासवर्ड देना है, जैसे आप लोग पासवर्ड देंगे तो आपका अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको 10 दिनों तक यहाँ पे जो अपनी आईडी है वो लॉगिन नहीं करनी है, अगर आपने आईडी लॉगिन कर ली तो आपका अकाउंट क्या है आप लोगों का डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ समय दिया जाता है, तो आप लोग उसको सही से पढ़ लीजिएगा। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारियाँ दे दी हैं कि अकाउंट किस तरीके से डिलीट करना है, किस तरीके से परमानेंटली डिलीट करना है। तो वीडियो यहीं तक थे, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।